अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। मेरा नाम मोहम्मद माजिद अली है और आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल की ऑफिस का प्रेस। आज मैं आपको लेकर आया हूँ GFS बिल्डर्स एंड डेवलपर्स के एक बहुत ही बेहतरीन प्रोजेक्ट। लोकेशन भी मैं इसकी बताऊँगा, इसके अंदर जो प्लॉट्स की कटिंग है वो भी बताऊँगा। इंशाल्लाह मेरे साथ मौजूद हैं इस वक्त शहरियार, शहरियार से मुकम्मल मालूम लेंगे इस प्रोजेक्ट के हवाले से। और इंशाल्लाह जो रेट्स इस वक्त यहाँ पे चल रहे हैं इससे कम रेट्स में हम आपको बताएंगे कि हम आपको इससे कम रेट्स में प्लॉट्स यहाँ पर दे देंगे। अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं तो हम नीचे इसमें सारे डिटेल्स नंबर्स वगैरह स्क्रीन पर देंगे, इंशाल्लाह आप उनसे रब्ता कर सकते हैं तमाम डिटेल्स हासिल करने के लिए। तो शहरियार भाई कैसे हैं आप? शुक्र है माजिद भाई, आप काफ़ी दिनों बाद चैनल पर। बस माजिद भाई थोड़ी सी मसरूफियात की वजह से जो है आज आपके साथ मौजूद हैं, ठीक टाइम मिलने के ऊपर। चलो चलो, लोगों का वक्त आया किए बगैर जो है उन्हें इस प्रोजेक्ट के बारे में मालूम देते चलते हैं। तो शरिया थोड़ा लोकेशन बताओ इस प्रोजेक्ट की। ये जो पहरिया टाउन के बिल्कुल अपोजिट मली टाउन रेजिडेंसी हमारा फेज 7 जो है बिल्कुल GFS का जो प्रोजेक्ट है वो पहरिया टाउन के बिल्कुल अपोजिट है। हैदराबाद से आने वाले रोड के ऊपर, जो हैदराबाद से आप कराची को मूव करते हैं रोड, उस रोड के ऊपर ये मौजूद है मेन मोटरवे M9 के ऊपर। हाँ, तो ये प्रोजेक्ट है मलीर टाउन रेजिडेंसी का फेज 7। जैसा कि इन्होंने बताया कि हैदराबाद से आने वाले रोड पर ये वाक़ है, बहरिया टाउन के बिल्कुल सामने बिल्कुल अपोजिट ये मौजूद है। इसके अंदर मैं आपको बताता चलूँ कि जब गेट से एंटर होते हैं तो राइट और लेफ्ट साइड पर SBS मौजूद है। SBS कुछ लोगों के लिए नया अल्फाज है, कुछ लोग इसको पहचानते हैं। SBS मैं आपको बताता चलूँ, ये नीचे इसमें दुकानें होती हैं, 500 गज़ 1000 गज़ के प्लॉट्स होते हैं। इसके नीचे आप कह लें दुकानें हैं, ऊपर फ्लैट्स हैं, कमर्शियल प्लॉट्स होते हैं ये 500 1000 गज़ के। तो दोनों साइड पर वो मौजूद हैं। इसके अलावा जब आप अंदर प्रोजेक्ट में दाखिल होते हैं तो यहाँ पर 80 गज़ का बसी रोड मौजूद है, ठीक है। 80 गज़ के रोड पर राइट साइड पर हम आते हैं तो ओवरसीज़ ब्लॉक है, लेफ्ट साइड पर जनरल ब्लॉक है जिसमें 120 गज़ के प्लॉट्स मौजूद हैं। इसी तरह जब हम आगे की जानब आते हैं तो यहाँ की मेन चुरंगी आ जाती है। चुरंगी को बहुत अच्छे तरीके से GFS ने यहाँ पर डिज़ाइन किया है। चुरंगी के चारों तरफ हमने यहाँ पर देखा है कि अभी पार्क डिज़ाइन हो रहे हैं, बीच में एक फाउंटेन मेरे ख्याल से यहाँ बनने जा रहा है। उससे हम आगे आते हैं तो यहाँ पर 80 गज़ के प्लॉट्स मौजूद हैं। साथ साथ मैं शहरियार भाई से अभी मालूमात लेता हूँ कि ये मुझे अभी बता रहे थे कि एक तो यहाँ पर मेन गेट जो है वो M9 मोटर वैसे है, तो दूसरा गेट आप शहरियार भाई बता रहे थे डमलोटी रोड से आ रहा है। बिल्कुल डमलोटी रोड से आ रहा है। जब आप मलीर से आते वक्त एयरपोर्ट को क्रॉस करके चेक पोस्ट 2 से जब आप डमलोटी रोड के ऊपर आएंगे तो वहाँ से बिल्कुल 10 मिनट की ड्राइव पे जो है ये आपका मलीर टाउन रेजिडेंसी फेज 7 है, ठीक है। तो वहाँ से आपको ये सेकंड गेट जो है इसका बैक साइड से वो इंटर आपको। अच्छा, सेकंड गेट के ऊपर भी SBS वगैरह मौजूद है? सेकंड गेट के ऊपर जो है वो कमर्शियल प्लॉट मौजूद है, ठीक है। 120, 200, 400 इस तरह के कमर्शियल प्लॉट्स मौजूद हैं। सही। अच्छा, सेकंड गेट से और फर्स्ट गेट के दरमियान काफ़ी फासला है, क्या हिसाब किताब है? मतलब कुछ लोग कहते हैं कि यार हमें अगर मेन गेट से दूर मिलता है प्लॉट तो उनके लिए फ़ायदेमंद है या नहीं? बिल्कुल अजीत भाई, फ़ायदेमंद तो है, मेन गेट से भी करीब है। मतलब कोई इतना बड़ा प्रोजेक्ट नहीं है, 65 एकड़ पर नॉर्मली प्रोजेक्ट है, ठीक है। इससे बड़े बड़े ही प्रोजेक्ट हैं इनके GFS के, लेकिन ये छोटा सा प्रोजेक्ट है 65 एकड़ के ऊपर। तो मेन गेट और जो उसका सेकंड गेट है कोई इतना डिफरेंस नहीं है। आप वाइजली दोनों तरफ आप जब आप परचेज़ करेंगे तो करीब ही हैं, आप सोसाइटी के अंदर अंदर हैं। तो जो आप बता रहे थे कि मेन गेट से जब इंटर होते हैं तो 80 फीट का रोड है, तो जो सेकंड गेट है जब वहाँ से आप इंटर होंगे तो वहाँ से आपको 60 फीट का रोड मिलेगा। अच्छा, दूसरी तरफ 60 फीट का रोड मिल रहा है आपको? 60 फीट का रोड मिल रहा है। नहीं, मेरा सवाल करने का मकसद ये था, बहुत से लोग बोलते हैं यार हमें मेन गेट के पास चाहिए प्लॉट, अगर कुछ अंदर मिल रहा होता है उनको प्लॉट तो वो उनका जो है ना उनको समझ में नहीं आ रहा होता। तो मैंने इस प्लॉट का जब नक्शा हमने देखा तो जो सेकंड गेट है वो इस प्रोजेक्ट की ये नुमाया खसूसियत है कि दोनों तरफ दरवाजे मिल रहे हैं, मतलब एक तो फ्रंट से मिल रहा है, एक बैक साइड से भी मिल रहा है। तो हम किसी भी साइड से ये नहीं कह सकते कि यार हमारा तो प्लॉट अंदर जाकर है, सही है ना, दोनों तरफ से क्योंकि दरवाजे मिल रहे हैं इसको। और माशाल्लाह यहाँ पर अभी मस्जिद वगैरह भी हैं इस प्रोजेक्ट में? बिल्कुल, इसमें मस्जिद हैं, पार्क्स हैं, प्लेग्राउंड है, स्कूल्स हैं, कॉलेज है, ठीक है, बाकी दीगर एमिनिटीज़ हैं, सही है, कैसे भी सोसाइटी के अंदर होती हैं, सही। साथ साथ जो हमारा ये एंट्रेंस है इसके साथ जो हमारा राइट हैंड पे ओवरसीज़ ब्लॉक है, सही, वो बहुत ही बेहतरीन है इस किस्म का। उसके साथ हमारे लेफ्ट हैंड के ऊपर जो है वो जनरल ब्लॉक है, उसके साथ आगे आप आ जाएँ तो इनके बाद जो है ओवरसीज़ और जनरल ब्लॉक के बाद हमारा शुरू हो जाता है 80 गज़ के कटिंग, जहाँ पे इस वक्त जो है 80 गज़ जो है
वहाँ पे कुछ ही प्लॉट्स हैं, मतलब कोई 300 से 400 के लगभग जो है वो प्लॉट्स हैं, तो वहाँ भी ऑलमोस्ट जो है वो बुकिंग हो चुकी है 70% तक। तो 30% प्लॉट्स रह गए हैं, तो अब ये माशाल्लाह इसका NOC भी है, इसकी आ चुकी है क्योंकि इसका मेन गेट बन रहा है अब। सही। और इसकी मार्केटिंग भी आपके सामने सारी। सही। अच्छा, आप मुझे बता रहे थे कि डेवलपमेंट यहाँ पर तकरीबन 80% हो चुकी है गटर लाइंस के हवाले से, पानी की लाइंस के हवाले से, तो आप थोड़ा सा मेरे व्यूअर्स को बताइए इस पर। बिल्कुल माजिद भाई, यहाँ पर डेवलपमेंट हो चुकी है, यहाँ पर रोड्स आपके सामने हैं कि वो बिल्कुल कारपेट तो नहीं हुए, लेकिन उसको स्ट्रेट कर दिया गया है। जो यहाँ पहले जो यहाँ पे थी बहुत ज़्यादा खड्डे, मतलब आप इजीली अब यहाँ पर प्रोजेक्ट, इजीली आप प्रोजेक्ट में जब आएंगे तो आप इजीली हर जगह पे घूम सकते हैं। कोई मतलब आपको ये नहीं है कि आपको गाड़ी जो दूर खड़ी करनी होगी, आप इजीली आपको जिस प्लॉट पर जाएंगे खड़े होने हैं आप वहाँ इजीली आप गाड़ी, मतलब अगर मेरा प्लॉट है 148 तो मुझे मालूम हो सकेगा कि मेरा प्लॉट फला गली में मौजूद है। अभी तो आपने मुझे नक्शे पर दिखा कर दे दिया था कि भाई आपका प्लॉट गली नंबर 2 पे है या 3 पे या 4 पे, तो अब क्या मैं आसानी अपने प्लॉट तक पहुंच सकूंगा? क्या गली नंबर 2, 3 या 4 मुझे नज़र आ सकेगी? ऐसा कर दिया बिल्डर ने यहाँ पर? बिल्कुल माजिद भाई, बिल्कुल ऐसे ही कर दिया है, आपके सामने सारा बिल्कुल रोड में मेंटेन कर दिए सारे, आप इजीली जो है अपने प्लॉट तक पहुँच सकते हैं। सही। आप भेजना चाहते हैं तो किसी को भी आसानी आप विजिट करा सकते हैं। हर चीज़ का पार्क यहाँ पर आपके सामने बनना शुरू हो चुका है, दो पार्क तक कम्प्लीट हो चुके हैं, बाकी मस्जिद अभी आगे तक और वीडियो के दरमियान। तो यहाँ पर यहाँ स्ट्रीट लाइट्स लगना शुरू हो गई हैं, मेरा कैमरा मैन आपको दिखाता चले। तो दोस्तों, इस वक्त हम मौजूद हैं मलीर टाउन रेजिडेंसी के मेन रोड के ऊपर। ये 80 फीट चौड़ा रोड है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बैक साइड पर डेवलपमेंट का माशाल्लाह काम चल रहा है। स्ट्रीट लाइट यहाँ पर नस्ब होने जा रही हैं और यहाँ पर जो मैंने एक मुनफरिद चीज़ देखी है ना, वो ज़ेर ज़मीन वायरिंग हो रही है इन स्ट्रीट लाइटों के लिए। ये देखें, मैं आपको दिखाऊं, ये ठीक है, ये वायरिंग पोल से अंदर ही अंदर यहाँ चल रही है। तो ये बहुत अच्छा मैंने यहाँ पर एकदम देखा है GFS बिल्डर्स का। इसके अलावा मैं अभी शरियार भाई से पूछता हूँ कि भाई ये 80 फीट तो इन्होंने हमें दिखा दिया, इसके अलावा जो रोड्स हैं वो कितने चौड़े हैं भाई यहाँ पर? जी भाई, यहाँ पे 80 फीट के अलावा जो रोड्स हैं वो कम से कम भी सबसे 80 फीट के बाद जो है 60 फीट है, 40 फीट है और 30 फीट का रोड है। ठीक है, तो वहाँ पे जो है वो अलग अलग कैटेगरीज हैं। यहाँ पे दो कैटेगरीज हैं सेम, तो पहली एक 120 है और एक 80 का से। ठीक है, दो कैटेगरीज के ऊपर ये सोसाइटी जो है मुश्तमिल है। ठीक है, तो इसमें जो रोड्स हैं वो 80 फीट है, 60 फीट है, 40 फीट है और 30 फीट का। ठीक है। अच्छा, ये 80 फीट के ऊपर जो प्लॉट्स की कटिंग है वो 120 की है, 80 की है या ज़्यादातर कमर्शियल हैं, क्या है ये मुझे आप बताएं? 80 फीट के ऊपर जो रोड्स की कटिंग, वो प्लॉट्स की जो कटिंग है वो कम से कम 120 गज है सर इस रोड के ऊपर। रोड के ऊपर टोटल 120 दोनों साइड्स पर? दोनों साइड्स पर। ठीक है, 180 गज जो है वो इनकी बैक साइड पर रखे गए। बिल्कुल। पहले तो ये बताओ कि जो अभी ब्रोशर मौजूदा ब्रोशर है बिल्डर का, वो क्या चल रहा है? ब्रोशर मौजूद है वो जनरल ब्लॉक का जो है वो 48 लाख है और जो ओवरसीज ब्लॉक है उसका 50 लाख। अच्छा, मेरी वीडियो जो भी देखेगा, मेरी क्या हम दोनों की वीडियो जो भी देखेगा, अगर वो वीडियो के तवस्सुत से रब्ता करता है तो इंशाल्लाह आप इन्वेस्टर रेट पर उसको प्लॉट दे देंगे यहाँ पर? बिल्कुल मौजूद भाई, इंशाल्लाह जो भी हमारे इस वीडियो के तवस्सुत से हमसे रब्ता करता है उसको बिल्कुल हम जो है इन्वेस्टर रेट के ऊपर ही प्लॉट देंगे। तो इंशाल्लाह नंबर हम वीडियो में चला देंगे, अगर आप हमारे नंबर्स पर रब्ता करेंगे, वीडियो का हवाला देंगे तो इंशाल्लाह आपको ह्यूज डिस्काउंट मिल जाएगा। ठीक है, बाकी हमने प्रोजेक्ट की मुकम्मल मालूमात आपको दी है, एक पार्क में हमने खड़े होकर वीडियो बना दी है, दूसरे पर हम चल रहे हैं आपको लेकर। इंशाल्लाह मिलते हैं आपसे दूसरे पार्क पर। तो नाजरीन, जैसा कि आप लोगों ने मेरी पिछली वीडियोज़ में देखा था मलीर टाउन रेजिडेंसी Phase 7, उन वीडियोज़ के मुकाबले में अभी जो मैं वीडियो बनाई है, इंशाल्लाह आप लोगों को वाज़े फ़र्क नज़र आएगा इस वीडियो के अंदर कि बिल्डर ने वाकई प्रोजेक्ट को, जो कहते हैं ना, प्रोजेक्ट में एक जान डाल दी है और काफ़ी डेवलप कर दिया प्रोजेक्ट। गटर लाइंस के हवाले से देखें, पानी की लाइंस के हवाले से देखें, रोड्स डिमार्केशन के हवाले से देखें, इसके अलावा पार्क्स वगैरह। अब यहाँ पर जिन लोगों के प्लॉट्स वगैरह हैं सिर्फ वो बनाने ही बाकी रह गए, क्योंकि रोड्स की जो अभी मैंने आपको हालत दिखाई है खाली कारपेटिंग यहाँ पर रह गई है। तो जब हम पिछली वीडियोस बनाते थे तो आप लोग कहते थे कि भाई ये क्या दिखा रहे हो, अभी तक तो इन्होंने ज़मीन तक सीधी नहीं की है। तो अल्हम्दुलिल्लाह अभी जो मलीर टाउन रेजिडेंसी का Phase 7 में मौजूद हैं हम, तो अभी आप देख सकते हैं रोड्स वाजे हो चुका है, पार्क्स बन चुके हैं,
और गटर लाइंस वगैरह तमाम ही जो डेवलपमेंट का काम है 80% मैं देख रहा हूँ कि बिल्डर की तरफ से यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। इसके अलावा आप लोगों का एक सवाल जो बार बार हमारे पास आता था कि यहाँ पर मेन गेट कब बनाएगा बिल्डर, तो इंशाल्लाह आप देख चुके हैं कि 90% जो काम है मेन गेट के हवाले से वो भी कंप्लीट हो चुका है। अब उसमें गेट लगना ही बाकी रह गए, तो इंशाल्लाह वो भी अनकरीब लग जाएंगे। रास्ते के हवाले से आप हमसे पूछते हैं, तो भाई अगर आप कराची से आ रहे हैं, कराची हैदराबाद जाने वाले रोड पर मौजूद हैं, तो बैरिया टाउन अंडरपास से आप आएंगे, वहाँ से लेफ्ट साइड पर आपको कट मिल रहा है, उसी कट से आप सर्विस रोड पर आकर मलीर टाउन रेजिडेंसी फेज 7 तक पहुँच सकते हैं। इसके अलावा आप पीछे डमलोटी रोड से भी आ सकते हैं, जहाँ से मलीर टाउन रेजिडेंसी फेज 7 का दूसरा गेट मौजूद है। बाकी इंशाल्लाह कोशिश करेंगे आपको अगले प्रोजेक्ट दिखाने की जो कि मलीर टाउन रेजिडेंसी के या GFS के होंगे, और मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, वीडियो को आगे शेयर करना मत भूलिएगा, और अपना प्लाट बुक कराना इस प्रोजेक्ट में मत भूलिएगा, जिसके लिए नंबर हमारे वीडियो में मौजूद हैं। अल्लाह हाफिज़।